नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। कोविड-19 के बीच आज से ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने किया चक्का जाम। बिहार में ट्रकों का विरोध आज से शुरू हो गया है। ट्रकों के चक्का जाम को देखते हुए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली थी। विरोध से पहले राज्य में फल, सब्जी, फूल और अन्य खाद्यान्न की आपूर्ति ठप होने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि जरूरी सेवाओं की आपूर्ति को पहले ही पूरा कर लिया गया है। विरोध को देखते हुए प्रशासन ने सामानों की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने के लिए भी टीम का गठन कर दिया है। सामानों की किल्लत बताकर कालाबाजारी करने वालों को सख्ती से पेश आया जाएगा। हालांकि बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने विरोध से जरूरी सेवाओं को अलग रखने का ऐलान किया है, जिसमें दूध, दवा और इमरजेंसी सेवा के विरोध से अलग रखा गया था। हालांकि एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के कथानुसार यह पूरा विरोध सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है। रघुवंश प्रसाद सिंह के अधूरे सपने को पूरा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीते दिन रघुवंश प्रसाद सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हालांकि दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने वैशाली जिले को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने की मांग की थी, जिसको अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूरी प्रतिबद्धता से पूरा करने का फैसला सुना दिया है। उनके सपनों को पूरा करने के लिए नीतीश सरकार पूरी अग्रसर होकर काम करने में जुट गई है। इसके साथ ही राजद चिट्ठी के टाइमिंग को लेकर जदयू पर सवाल उठा रही है। रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि उनका जाना अपूर्णीय क्षति है। इसके साथ ही रघुवंश बाबू ने अपने पत्र के माध्यम से हम लोगों के समक्ष जो मांगे रखी है उन पर काम शुरू हो चुका है। आज बिहार पहुंची इलेक्शन कमीशन की टीम। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में समीक्षा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यीय टीम आज पटना पहुंच चुकी है। टीम राज्य के 4 शहरों में डीएम और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनावी समीक्षा करने वाली है। भारत निर्वाचन की टीम में निर्वाचन आयुक्त सुधीर जैन और उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम का बिहार दौरे का कार्यक्रम में सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर के दौरा करने वाले हैं। इसके बाद वो सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा करेंगे। सोमवार को ही आयोग की टीम पटना लौट आएगी। वहीं पटना में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान और गोपालगंज जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनावी समीक्षा करने वाले हैं। बिहार के 2 बाल वैज्ञानिकों को मिलेगा प्रतिभा पुरस्कार। बिहार के 2 बाल वैज्ञानिकों को प्रतिभा की सराहना की पहल की गई है, जिसके तहत अभिजीत कुमार और अर्पित कुमार को CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रेन मिलने जा रहा है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद हर साल बाल वैज्ञानिकों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाती है, जिसमें देश भर के छात्र शामिल होते हैं। इस बार की प्रतियोगिता में 10 राज्यों से 11 छात्र सफल हुए हैं, जिसमें बिहार के अभिजीत और अर्पित को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दोनों के मल्टीफंक्शन डिवाइस फॉर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मेथड को पुरस्कृत के लिए चुना गया है, जिसकी मदद से पानी की शुद्धता की जांच आसानी से की जा सकती है। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 20,000 की राशि और प्रमाण पत्र 25 सितंबर को दिया जाएगा। बीज से बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की पहल हुई थी। इस बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की पहल को शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए विभाग ने इस साल में 4.0 की शुरुआत कर दी है। इसके तहत इस मिशन से बीज निगम अब किसानों के धान और मक्के के बीज का उत्पादन करेगा, साथ ही सब्जियों के बीज का भी उत्पादन जरूर करेगा। इस किस्मों के बीज के लिए राज्य के किसान पूरी तरह बाजार पर निर्भर रहते हैं। अगर यह मुहिम सफल हो जाती है तो बीज विक्रेताओं के हाथ किसान बेवकूफ बनने से बच जाएंगे। किसान विभाग ने बीज निगम के इस मुहिम के राज्य भर में कम से कम 4 लाख क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा है। साथ ही हर साल जितने किसानों को सरकार बीज मुहैया करवाती है उनमें 5 लाख ज्यादा किसानों की आपूर्ति करने का लक्ष्य इस मुहिम के तहत तय किया गया है। बिहार के कई जिलों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की जताई गई संभावना। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में मॉनसून की गतिविधियां सामान्य होने के बावजूद बिहारवासियों को गर्मी से राहत मिल नहीं रही है, मगर अब बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और बंगाल की नमी युक्त हवा का प्रेशर राज्यों पर बन रहा है। इसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटे में राज्य के पूर्वी भाग और उत्तरी पश्चिम भाग के अलग अलग स्थानों पर बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 24 घंटे में भी राज्य में मॉनसून की गतिविधि सामान्य देखने को मिली थी। बिहार में अब वेंडर के प्रमाण पत्र पर होगी पूरे परिवार की फोटो। बिहार के अलग अलग शहरी निकाय में रहरी फेरी वालों की वेंडिंग प्रमाण पत्र मुहैया करवाए जाने का फैसला कुछ दिनों पहले ही सुनाया गया था। वहीं इसी के प्रमाण पत्र वितरण का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें राजधानी पटना भी शामिल है। हालांकि इस बार खास बात यह है कि इस प्रमाण पत्र पर सिर्फ वेंडर का ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की तस्वीर जारी की जाएगी। जरूरत पड़ी तो इस प्रमाण पत्र के जरिए परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी वेंडिंग का काम आसानी से कर सकता है। केंद्र सरकार की स्वनिधि योजना का लाभ पाने के लिए प्रमाण पत्र होना अनिवार्य कर दिया गया था। कोविड-19 के माहौल में असंगठित क्षेत्र में आने वाले वेंडरों यानी कि रेहरी फेरी वालों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत वेंडरों को 10,000 का लोन बिना किसी बैंक गारंटी के मुहैया करवाया जाएगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मृत्युंजय प्रभाकर की।
मृत्युंजय प्रभाकर प्ले राइटर, थिएटर डायरेक्टर और थिएटर आर्टिस्ट और एक कवि थे, जिनका जन्म आज ही के दिन बिहार में 1979 में हुआ था। मृत्युंजय कुमार प्रभाकर को साल 2012 में बिहार की तरफ से बिहार कला सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। उन्होंने थिएटर और ड्रामा में अपने बचपन के समय से ही करना शुरू कर दिया था। हालांकि उन्होंने अपनी पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से पूरी की थी, जिसके बाद उन्होंने थिएटर और परफॉर्मेंस स्टडी स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स से पूरी की। मृत्युंजय थिएटर में काम राजधानी पटना से ही शुरू कर चुके थे और वहीं अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपना काम शुरू किया था। वो कई सारे थिएटर ग्रुप के साथ काम भी करते थे, जिसमें प्रेरणा, मंच आर्ट ग्रुप और प्रांगण जैसे नाम शामिल है। हालांकि बाद में जाकर उन्होंने अपना ही एक थिएटर ग्रुप बनाया, जिसका नाम अभियान रखा गया था। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की मान्यता फंसी बीच मझधार में। नालंदा खुला विश्वविद्यालय की मान्यता बीच मझधार में नजर आ रही है। यह इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें दूर शिक्षा के माध्यम से 1,25,000 से ज्यादा विद्यार्थी अनुबंध है। इसके साथ ही नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना के वक्त ही तय किया गया था कि इसकी स्थापना नालंदा जिले में करवाई जाएगी, जिसके लिए प्रयास तो कई सालों से चलते रहे थे, लेकिन जमीन पर कुछ महीने पहले उतरे हैं। राज्य सरकार ने 10 एकड़ जमीन का आवंटन कर दिया था, जहां पर काम शुरू भी हो गया है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप किसी भी दूर शिक्षण संस्थान को 40 एकड़ जमीन पर निर्माण आवश्यक है, जो खुला नालंदा विश्वविद्यालय के पास नहीं है। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्य सरकार को इस मामले की जानकारी दी तो सरकार ने अतिरिक्त जमीन देने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 को सरायगढ़ हसनपुर कुपहा रेलखंड का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को नवनिर्मित सरायगढ़ हसनपुर कुपहा रेलखंड का उद्घाटन करने वाले हैं। सहरसा के आसलपुर तक डेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने को लेकर सरगर्मी तेज कर दी गई है। महासेतु पर ट्रेनें दौड़ने से कोसी और मिथिलांचल की दूरी काफी ज्यादा कम हो गई है। रविवार को ट्रायल के लिए सहरसा के डेमू ट्रेन सुपौल पहुंचाई गई थी। ट्रेन को फूल और गुब्बारों से सजाया गया था। 12 से 15 किलोमीटर की स्पीड से स्टेशन पर चलने के 3 राउंड आगे पीछे चलाया गया। यह काम सीनियर डीएमआई पवार रवीश रंजन, मयंक अग्रवाल और बीसीटीई राहुल देव के निर्देशन में हुआ। ड्रोन कैमरे से ट्रायल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई गई। ट्रायल 12:20 पर शुरू हुआ था, जो करीब 1:40 तक जारी रहा था। कंगना रनौत ने एक बार फिर से शिवसेना को लिया निशाने पर। इन दिनों महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, जहां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार कंगना को लेकर बयानबाजी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कंगना भी महाराष्ट्र सरकार के कुछ नेताओं को साथ में लेकर निशाना साध रही हैं। इसी क्रम में कंगना ने बीते दिन एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि शिवसेना से सोनिया के आ जाने से मुंबई में दबंगों का बोलबाला हो गया है। सोनिया सेना ने मुंबई में आजाद कश्मीर के नारे लगवाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब आजादी की कीमत लोगों को चुकानी होगी। मैं बहुत ही दुखी मन के साथ मुंबई लौटी हूँ। इन दिनों मुझे हर रोज दबाने की कोशिश की जा रही है। हम पर लगातार सरकार की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है। हम पर गलत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मेरे ऑफिस को तोड़ दिया गया है। मुझे हर वक्त अपने सुरक्षा बलों के साथ रहना पड़ रहा है। ऐसे में मैंने पीओके की बात कही तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। मदन मोहन झा ने रघुवंश बाबू को किया याद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के गुजर जाने पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। पटना स्थित उनके आवास पर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य के तमाम बड़े नेताओं की भारी संख्या भी देखी गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि रघुवंश बाबू का इस दुनिया में जाना अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि भाई साहब हमेशा से गरीब और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए सोचा करते थे। वे काफी मुखर और बेबाकी से अपनी बातों को हर मंच पर रखते थे। उनका जाना राजनीति की बहुत बड़ी क्षति है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह की तरफ से सरकार को जारी किए गए पत्र को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि रघुवंश प्रसाद सिंह की तरफ से की गई मांग को पूरा करना सही है या नहीं। इस पर हमारा कुछ भी कहना उचित नहीं है। एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को बताया मिसाल कायम करने वाला कप्तान। एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की दोस्ती कई बार सुर्खियों में देखी गई है। वहीं अब एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को लेकर अहम बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में कहा है कि मुझे लगता है कि कमोबेश आईपीएल के बारे में स्पष्ट था कि एक महीना पहले आई थी। इसके साथ ही बीसीसीआई ने आईपीएल को शुरू करने में उल्लेखनीय काम किया है। हम टूर्नामेंट खेलने के लिए बहुत उत्साहित है। मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं टीम के खिलाड़ियों के साथ वहां अच्छे तरीके से खेलकर टीम की मदद करना चाहता हूँ। हमने बहुत मेहनत की है, हमारे पास एक अच्छा वर्क एथिक है। वास्तव में ऐसा लगता है कि हम सभी ने इस पर कड़ी मेहनत वाले वातावरण को खरीदा है। इसका श्रेय विराट कोहली को जाता है। वो मिसाल कायम करते हैं और सामने से टीम का नेतृत्व करते हैं। देश में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 48,00,000 के पार। देश में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 92,071 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 48,46,428 पर पहुंच गई है, जिसमें से 9,86,598 मरीज फिलहाल सक्रिय हैं, जबकि 37,80,108 मरीज कोविड 19 से स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। अगर जान गंवाने वालों की संख्या की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से
से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में 1136 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की कुल संख्या 79,722 पर पहुंच गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में रिकवरी दर के ज्यादा होने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री ने लालू जी के सामने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दंडवत होने का दिया बयान। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने हाल ही में लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने लालू प्रसाद यादव के सामने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दंडवत होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी को स्पष्ट करना चाहिए कि कोविड-19 संक्रमित होने पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, भाजपा विधायक सीपी सिंह और जस्टिस केपी देव रिम्स के कोविड-19 वार्ड में इलाजरत है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को रिम्स डायरेक्टर का बंगला मुहैया करवाया गया। हेमंत सोरेन जी गलत करने वालों के साथ समझौता करने पर तुले हैं, तो मेरी सलाह का ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक सौदेबाजी में लालू प्रसाद यादव का अतीत दागदार रहा है। टिकट देने के नाम पर जमीन और संपत्ति लिखवाने के लिए वो कुख्यात रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से चक्का जाम करने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।